दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप मान के चलिए किसी भी सैमसंग मोबाइल को जब फ्लैशिंग करते हैं, मान के चलिए आपके पास कोई सैमसंग का मोबाइल आता है और वो हैंग ऑन लोगों पर अटका हुआ रहता है, ठीक है, तो उस मोबाइल को जब आप फ्लैश करते हैं तो आप उस मोबाइल के लिए फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। तो जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि उस मोबाइल को जो आप फ्लैश करेंगे उसके लिए जो आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से तो उस मोबाइल के अंदर में कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन उस मोबाइल में सपोर्ट करेगा और आपको इस चीज़ का पता नहीं होता। आप जो है अंदाजी जो है इंटरनेट से फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और उस फ्लैश फाइल को जब आप डाउनलोड करते हैं और उस फाइल से जो आप फ्लैश करते हैं मोबाइल को तो आपका फ्लैशिंग में एरर देता है और आप फिर क्या करते हैं दूसरा फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर तीसरा को डाउनलोड करते हैं, फिर चौथा को डाउनलोड करते हैं, ऐसे में आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है सिर्फ एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करके ही जो आप सैमसंग मोबाइल को आसानी से फ्लैश कर सकते हैं और फ्लैश फाइल की आप पहचान कर सकते हैं कि जिस मोबाइल को आपको फ्लैश करना है उस मोबाइल के अंदर में कौन सा फ्लैश फाइल है, कौन सा वर्जन है और वही वर्जन आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से और वो वर्जन डाउनलोड करके आपको मोबाइल को फ्लैश करना है और आपका मोबाइल एक बार में फ्लैश हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी सैमसंग मोबाइल को अगर आप फ्लैश करते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लैश फाइल की पहचान होनी चाहिए कि जो मोबाइल को आप फ्लैश करना चाहते हैं तो उस मोबाइल के अंदर में पहले से जो है कौन सा फ्लैश फाइल मौजूद है और जो आप उस वर्जन को अगर आप देख सकें तो आप उसको पहचान कर सकें तो उसके बाद जो है आप सेम वर्जन डाउनलोड करके आसानी से उस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आप सिंगल फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे और आसानी से आपका मोबाइल जो है फ्लैश हो जाएगा, ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो है डेटा भी बचेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फ्लैश फाइल की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ARC1, ठीक है, तो मान के चलिए किसी मोबाइल में अगर ARC2 लिखा हो सकता है, ARC3 लिखा हो सकता है, ARC4 लिखा हो सकता है, तो लास्ट में जो भी लिखा हुआ होगा ARC1, ARC2, ARC4, ठीक है, मान के चलिए ये G611FF था, DDU था, ठीक है, लास्ट में था इसका ARC1, तो किसी में ARC2 हो सकता है, किसी में ARC3 हो सकता है, किसी में ARC4 हो सकता है। इस तरह के आपको जो है फ्लैश फाइल की पहचान करनी होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी सैमसंग मोबाइल को अगर आप फ्लैश कर रहे हैं तो उस मोबाइल को आप कैसे देख सकते हैं उस मोबाइल के अंदर में कि कौन सा फ्लैश फाइल मौजूद है उसमें और किस तरह से आप उस फ्लैश फाइल को जो है देख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, और ये मोबाइल जो है मान के चलिए अभी हैंग ऑन लोगों पे है, ठीक है, और इस मोबाइल को हमें फ्लैश करना है, लेकिन कोई भी फ्लैश फाइल अगर हम डाउनलोड कर लें इंटरनेट से तो इसके अंदर में अगर फ्लैशिंग करेंगे तो अगर मान के चलिए वो परफेक्ट फ्लैश फाइल नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे ओडिन टूल में या Z3X बॉक्स में या मेडिकल बॉक्स में या UMT डोंगल में किसी भी फ्लैशर में जो है वो एरर दे सकता है, ठीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी सैमसंग का मोबाइल अगर डाउनलोडिंग मोड पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल फ्लैश होगा, ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर आ रहा है और आप फ्लैश कर रहे हैं, फ्लैश करने के बाद वो मोबाइल जो है फ्लैशिंग के दौरान में किसी तरह का एरर दे रहा है आपको, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो मोबाइल में जो हम फ्लैश फाइल डाल रहे हैं वो फ्लैश फाइल परफेक्ट नहीं है, जिस कारण से ये मोबाइल में जो है फ्लैशिंग एरर दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको भी बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से आप मोबाइल का जो है वर्जन पहचान सकते हैं, वर्जन की पहचान कैसे होगी आपको। तो वर्जन की पहचान करने के लिए आपको जो है वॉल्यूम पावर की और उसके बाद वॉल्यूम प्लस और होम की तीनों को आपको एक साथ प्रेस करना है, उसके बाद जैसे मोबाइल ऑन होगा आपको पावर की छोड़ देना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल रिकवरी मोड में जा चुका है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि रिकवरी मोड में यहां पर जितना भी ऑप्शन है अप्लाई अपडेट फॉर ADB या वाइब डाटा फैक्ट्री रिसेट जो भी ऑप्शन है, लेकिन ऊपर में आप यहां पर देखेंगे यहां पर दिखा रहा है ये J210F, ठीक है, XXU ये दिखा रहा है वर्जन, ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस मोबाइल के अंदर में कौन सा फ्लैश फाइल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि APK4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो लास्ट में जो APK4 लिखा हुआ है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि APK4 का ये फाइल है इसमें। जब भी आप इंटरनेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको ये चीज मिलाना है, ये जो जितना भी इसमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सारा आपको जो है उस फ्लैश फाइल से मिलाना है कि ये आपके इस वर्जन से वो मैच कर रहा है या नहीं, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फ्लैशिंग नहीं होगा और फ्लैशिंग में आपका
एरर देगा, ठीक है। तो ये सारा जो आपको वर्जन यहाँ पर दिखा रहा है J210FX, ठीक है, ये लास्ट में जो आपका APK4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको वर्जन मिलाना होगा। मान के चलिए किसी में एक APK5 हो सकता है, किसी में APK6 हो सकता है, किसी में 7 हो सकता है, जो भी आपके मोबाइल में यहाँ पे दिखा रहा है इसी के अनुसार आपको मोबाइल का जो है फ्लैश फाइल सैमसंग मोबाइल का डाउनलोड करना है, चाहे कोई भी मोबाइल रहे आपके पास सैमसंग का, कोई सा भी मॉडल, ठीक है, सबका यही तरीका है फ्लैश फाइल की पहचान करने का। तो आपको दोस्तों इस समझ में आ गया होगा कि फ्लैश फाइल किस तरह से पहचान कर सकते हैं आप मोबाइल में, और सेम वही फ्लैश फाइल को देख करके आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और सैमसंग मोबाइल को आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और आपका MB बचेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।